मेरा नाम मनीषा मल्होत्रा है, मैं जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में काम करती हूँ और मैं बचपन से मैंने स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हूँ। मैं पहले टेनिस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर होती थी, अब मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स करती हूँ। तो मैं 1-1.5 साल से साइकिलिंग तो करती थी, मगर अभी 2-3 महीने में तो मैं, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत सारा साइकिलिंग कर रहे हैं और अभी बहुत रेगुलर भी हो गए हैं, तो ये अभी थोड़ा पैशन भी हो गया है। नहीं, ये साइकिलिंग तो हम फिटनेस के मुताबिक स्टार्ट शुरू किया हुआ है। हम पहले बहुत भागते थे और फिर सोचा कि हम कुछ और भी करें एक्टिविटीज़ जो फिटनेस के लिए है। हम बहुत, दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हैं, दोनों बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये इस तरीके से एक दिन हम लोग ने सोचा कि साइकिलिंग भी अच्छा होगा। साइकिलिंग एक्सरसाइज के लिए तो बहुत ही अच्छा है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और द बेस्ट थिंग अबाउट साइकिलिंग इज़ दैट वो आपके शरीर पे इतना इंजरी और ये रिस्क कम है। हम अभी गोल है कि हम 3 या 4 बार साइकिलिंग करते हैं और एवरेज 45 किलोमीटर्स का है। तो जैसे कि आज हमने 50 किलोमीटर किया था, मगर 2 दिन पहले जब हम गुड़गांव गए थे वो 36 था। तो ऐसे एवरेज में 35-40 तो रोज ही हो जाता है। मंडे को गोल है कि हम 60 किलोमीटर करें। आई थिंक इफ यू आर अ बिगिनर, आई थिंक दैट द इट आपके खुद के बॉडी पर डिपेंड करेगा और जो आपका पर्सनल फिटनेस लेवल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करेगा। आपको जो आपके शरीर में होता है वो आपका फीलिंग सबसे अच्छा होता है, तो आप जितना पुश कर सकते हो उसको वो आपको ही पता होगा। ऐसे कि कोई नंबर नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो अभी आप आज से साइकिल खरीद के आज से पहले बार शुरू करोगे तो 3-5-7 किलोमीटर से शुरू करें और उससे ज़्यादा फिर बिल्डअप करते जाएं हर हफ्ता। ये मुझे अभी तक पता नहीं है क्यों कम औरतें हैं सो साइकिल करते हैं, स्पेशली दिल्ली में। लोगों को शायद जल्दी सुबह टाइम नहीं मिलता क्योंकि उनको उस टाइम कुकिंग और ये सब करना पड़ता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन आई थिंक ऑफ सोसाइटी एंड माइंडसेट। इंडियन वुमेन जो प्रोन है, उनके घुटने खराब होते हैं या हिप्स, साइकिलिंग कैन बी अ क्योर फॉर दैट। इफ यू सी द नंबर ऑफ साइक्लिस्ट विद इन दिल्ली, दैट नंबर वो बढ़ते जा रहा है। देयर आर मोर एंड मोर साइक्लिस्ट। आई थिंक दैट अब थोड़ा लोग को देखना पड़ेगा कि हाउ कैन वी मेक थिंग्स मोर ईजी फॉर देम इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शंस, क्रॉसिंग्स, डेडिकेटेड साइकिल पाथ्स। साइकिलिंग जो है आपको यकीन नहीं होगा, वो ऐसे जैसे लोग बोलते हैं वो रनर्स हाई होता है, वो वैसे ही साइकिलिंग बहुत एडिक्टिव है। यहाँ कोई डेडिकेटेड साइकिलिंग पाथ्स नहीं है, यहाँ कोई वैसे ट्रैफिक के रूल्स भी वैसे नहीं है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है। इसीलिए हम बहुत जल्दी जाते हैं सुबह जब कम गाड़ियाँ हों। इट्स इंटरेस्टिंग टू टेक अप समथिंग दैट यू डिड इन योर चाइल्डहुड एंड ट्राई इट, एंड यू नेवर नो, ट्राई एंड डू समथिंग दैट्स डिफरेंट फ्रॉम योर ऑर्डिनरी डे एंड यू नेवर नो, इट्स क्वाइट ईजी टू गेट इन टू साइकिलिंग।